बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, मेरा सलाम। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो कैसे हैं आप? तो आज हम पूछो, हम आपको क्या पकाने सिखाएंगे, क्या पकाना सिखाएंगे? आज हम आपको सिखाएंगे आलू बुखारे और इमली की चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप मेरे साथ एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे साथ रहिए और मैं आपको, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको अच्छे अच्छे खाने, देसी खाने आपको बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं मेरे पास क्या क्या सामान है। तो ये हैं मेरे पास, मैंने लिए सूखे हुए आलू बुखारे आधा किलो, जो मैंने 4 घंटे पहले इनको पानी में भिगो दिया। तो ये देखो, ये इनकी शक्ल ये है, ये ऐसे हो गए हैं। उसके बाद ये मैंने ली है 1 पाव इमली थी भूरी वाली, काली वाली मत लीजिएगा, ये भूरी इमली है 1 पाव। ये मैंने, ये भी 4 घंटे पहले भिगो दी। उसके बाद ये है 4 चम्मच शुगर, 4 चम्मच चारों मगज़, 4 छोटी इलायची और ये गुड़। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मीठा करिएगा, मैंने ये अपने हिसाब से लिया। उसके बाद ये केवड़ा और ये सुर्ख मिर्च और ये काली मिर्च। अब हम आ गए हैं अपने किचन में। तो ये मैंने चूल्हा जला के ये रख दिया आलू बुखारे। आलू बुखारों में मैंने तकरीबन 1 किलो पानी डाल दिया, 1 लीटर। और अब इसके साथ ही मैं ये गुड़ भी डाल दूँगी और इसको पकाऊँगी अच्छी तरह, जब तक ये खूब अच्छी तरह गल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह आलू बुखारे भीगने चाहिए, इस तरह से ये आलू बुखारों की शक्ल होनी चाहिए भीगने के बाद। ये देखो, ये मेरे आलू बुखारे, ये शक्ल आ गई है। अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी इमली को, मैंने ज़रा अच्छी तरह थोड़ा मथ लिया। अब मैं इसको ये डाल दूँगी इसमें, इसको मैं थोड़ी देर पकाऊँगी, तकरीबन 15-20 मिनट। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ 15-20 मिनट के बाद। तो दोस्तों, आप देखते रहे, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी। ये चटनी बहुत मज़ेदार है और बहुत लजीज है खाने में। और इसको अपने खाने के साथ दस्तरखान पे रखिए, खाना खाने के बाद इसको खाइए, खाना भी हजम करेगी। और चाहे पराठे के साथ खाओ, पूरी के साथ खाओ, डबल रोटी पे लगा के खाओ, और बहुत मज़ेदार होगी। इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। पतीला भी कुतने छोटा दिया। मेरे आलू बुखारे ये उबल गए अच्छी तरह से, ये मैंने तमाम बीज इसके निकाल लिए। अब रह गई है चटनी और उसका पल। तो मैं इसको अच्छी तरह पकाती हूँ। अब मैं देखो इसमें डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर येलो, ये थोड़ा सा फूड कलर इसको मैं चला दूँगी। और इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच काली मिर्ची, यही छोटा ये क्वार्टर टीस्पून है, ये डालूंगी मिर्ची। और मैं सौंठ बताना भूल गई थी, और ये मैं डालूंगी सौंठ, पिसी हुई सौंठ। ये और ये मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें जीरो को, ये जीरा इसके हाथ में ऐसे रगड़ के, सफेद जीरा
ये हाथ पे रगड़ के ऐसे। अब मैं इसको अच्छी तरह पका के गाढ़ा कर लूँगी, फिर इसको मैं बाद में बताती हूँ अब इसमें बाद में क्या डलेगा। तो मिलती हूँ इसको थोड़ा गाढ़ा करने के बाद। मैं इसको 15 मिनट और पकाऊंगी, 10-12-15 मिनट और पकाऊंगी मैं इसको। तो ये अब काफ़ी गाढ़ा हो गया। मैं इसमें अब डालूंगी शक्कर। ये मैंने लिए एक प्याली भर के शक्कर, और आपको जितना मीठा रखना हो आप उतना मीठा रखिए, मैं इसको खट्टी मीठी ही रखूंगी। अगर और कम लगी तो मैं थोड़ी डाल दूंगी इसमें। और ये इसमें छोटी इलायची, ये मेरे 4 मगज, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ये केवड़ा, ये वाला ये केवड़ा। ये मेरी हो गई है चटनी तैयार। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ये एसेंस, एक ढक्कन भर। तो ये देखो कितनी प्यारी कलर आ रही है, कितनी खुशबू आ रही है इसमें, खट्टी मिठी सौंधी सी। अब ये मेरी चटनी तैयार है, ये ठंडी करके मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, जिससे हमारी वीडियो और आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तमाम नई वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पिछली जितनी भी वीडियो हमने बनाई है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। तो काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी जाके वॉच कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये देसी घी डालूंगी शाइनिंग के लिए, जिससे ये मेरी चटनी पे आएगी शाइनिंग। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ डाले हैं 4 मगज। ठीक है दोस्तों, आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन भी लाजमी क्लिक करना है, जिससे हमारी नई वीडियोस का लिंक आपको और जो है बआसानी पहुंच जाए, और नई वीडियो और जो पहले हमने बनाई थी उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो काइंडली इन वीडियो और उसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और हमारी प्लेटिंग मुकम्मल हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।